नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन के शहर वुहान से निकली लाइलाज बीमारी कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर। सिर्फ चार देश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना वायरस नहीं पहुंचा। ये देश हैं तुवालू, पलाऊ, टोंगा और माइक्रोनेशिया। इसके साथ ही साथ इस जानलेवा बीमारी से अब तक लगभग 53,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस बीमारी के संक्रमण से रोज दुनिया भर में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही। वहीं पूरी दुनिया में इस बीमारी को रोकने के लिए जमीन से आसमान तक और पानी से पहाड़ तक सब रुक गया। हर देश अपनी जनता को काल के गाल में जाने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में भारत में कोरोना को रोकने के लिए भारत सरकार ने भी युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है। आगे और ज्यादा मौत ना हो, इसके लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कोरोना से देशवासियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड की घोषणा की और देशवासियों से अपील की कि आप अपनों को बचाने के लिए जो हो सके इसमें दान करें। पीएम की अपील के बाद क्या आम क्या खास, सभी लोगों ने दिल खोल कर दान दिए। जिन बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री केयर फंड में दान दिया उनके नामों की फेहरिस्त थोड़ी लंबी है, जैसे कि बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी, भारत के कंप्यूटर किंग नारायण मूर्ति और एशिया में दान के बादशाह और दानवीर कर्ण के नाम से मशहूर विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी ने दान किए। इसके साथ ही साथ फिल्मी हस्तियों ने भी दिल खोल कर दान दिया। इसी कड़ी में किंग खान, बादशाह और न जाने कितने नामों से मशहूर और भारतीय युवाओं के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान ने भी पीएम केयर फंड में दान दिया। किंग खान के दान को देखकर प्रधानमंत्री मोदी इतने खुश हुए कि सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा कि आप बड़े दिल वाले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ के ट्वीट के बाद किंग खान की तारीफ में बाढ़ आ गई और लोगों ने जमकर उनकी तारीफ की। यहाँ पर हम कुछ ट्वीट और लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह की सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने कहा, क्या शानदार कदम, सारे संगठनों का एक साथ आना ही इस समय सबसे जरूरी है, बहुत ही अच्छा और सटीक कदम हमेशा की तरह। शाहरुख खान के एक फैन ने लिखा कि देश की शान शाहरुख खान। एक और फैन ने लिखा कि आप हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है, खासतौर से सेलिब्रिटी के लिए, जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप कितनी चैरिटी करते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि इस बार आप पब्लिक के सामने आए और इन बातों का खुलासा करना अपनी जिम्मेदारी समझी। एक और यूजर ने लिखा, आप तो बड़े दिल वाले हो, जिसने खुद गरीबी देखी हो वही गरीबों की तकलीफ जानता है और जो खुद आसमान तक पहुंच कर भी उन गरीबों की तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ता है उसे ही किंग कहते हैं। यू आर ट्रूली अ किंग। यहाँ पर आपको बताते चलें कि दान की घोषणा करते हुए शाहरुख खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, इस समय जो आपके लिए बिना थके काम कर रहे हैं, शायद आप उन्हें ना जानते हो, फिर भी आप उनको अकेला महसूस ना होने दें। हम ये सुनिश्चित करें कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, पूरा देश और सभी भारतीय एक परिवार की तरह है। इस पोस्ट के साथ शाहरुख खान ने एक लेटर भी पोस्ट किया जिसमें जानकारी दी गई है कि कौन सा संगठन किस तरह से लोगों की मदद करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जी जान से जुटा है और सभी का एक ही ध्येय है कि इस जानलेवा बीमारी को हराना है और भारत से भगाना है। आप भी सरकार के निर्देशों का पालन करें और एहतियात बरतें, क्योंकि आपकी एक समझदारी से कईयों की जान बच सकती है और आप खुद अपने परिवार को मुश्किलों से बचा सकते हैं। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और सावधानी बरतें। ये एक मुश्किल दौर है, आप हम सब हिम्मत से इस मुश्किल दौर को भी हराकर आगे निकल जाएंगे।